Hello friends, welcome to the Tukku and Cookie channel. Today we are going to make stuffed mozzarella cheese garlic bun. Let's start making this. Ingredients of making cheese garlic buns are plain flour, hot milk, olive oil. Here we are using olive oil, but instead of this you can use any kind of oil and butter as well. Salt, sugar, mozzarella cheese, fresh crushed garlic, sesame seed, dry oregano and dry active yeast. In first stage where we will make the only dough, for this we will need plain flour, milk, dry active yeast, salt, sugar and olive oil. Remaining we will use the next step. Now I will show how we make the dough. First we add this plain flour, maida, dry active yeast, salt according to taste, not more, sugar, two spoons of olive oil, yeah it is enough, and hot milk. Now we knead the dough with the hand. Now we put little more milk. Yeah. We just knead it with a hard hand. Yeah. Now it's done. Now it's done and we will keep it aside for 1.5 hours so that it will rise up to here, and after that we will make the bread of this. ये देखिए, ये bread का dough अब ये ready हो चुका है. इसे हमने पहले से ही करके रखा था. अब इसको हम दोबारा knead करेंगे. बस इसमें थोड़ा सा olive oil ये चिकना करने के लिए, और इसको फिर से हम knead करेंगे. ये बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसे हमने नीट कर लिया. फिर से ये बिल्कुल प्लेन चिकना हो गया. अब इसके हम छोटे छोटे बंस बनाएंगे और उसमें मोजरेला को फिल करेंगे. ये हमने छोटे छोटे बंस बनाए पहले. ये हमारा बंस बन रहे हैं. ये हमारे बंस रेडी हो गए. अब हम इसमें मोजरेला की फिलिंग रेडी करेंगे. इसके लिए इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम इसमें ऑरिगेनो डाल रहे हैं. इसको हम मिक्स कर लेंगे. इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा. अब ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है और अब इसको हम बंस के गोले में फिल करेंगे. इसको आप प्लेन फ्लैट कर लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा चीज, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स की फिलिंग डालेंगे हम इसमें. ये हमारा फिल हो गया और इसको अब बंद करेंगे हम. बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ये हमारा स्टफ्ड बन रेडी हो गया. ये हमारे बंस रेडी हो गए चारों. देखिए, आप चाहे तो इसको विदाउट स्टफिंग भी बना सकते हैं. और अब हम एक पैन को ग्रीस करेंगे, बेकिंग पैन. इसको आप ऑयल से ग्रीस कर ले अच्छी तरीके से और अपने बंस जो है इसमें डाल दें. ये हमने इसमें बंस डाल दिए और इसको हम 15 से 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए
उसके बाद फिर हम इसको बेकिंग ट्रे में डाल बेक। ये देखिए ये हमारे बंस जो है रेज होके रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें अप्लाई करने के लिए सीजनिंग रेडी करेंगे। इसके लिए ऑलिव ऑयल में हम फ्रेश गार्लिक जो हमने ग्रेट करके रखा था वो डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो। ये हमने रेडी कर लिया और इसको अब हम ब्रश से अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम ऐसे डाल देंगे स्पून से। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे बंस में। ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सीसमे से व्हाइट तिल स्प्रेड करेंगे। इससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दिखेगी बेक होने के बाद। ये बहुत यम्मी लगने वाले हैं। हमने माइक्रोवेव को पहले से 180 डिग्री पे प्री हीट करके रखा है। अब इसमें हम इसको डालेंगे। और अब 10 टू 15 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे ये बेक हो जाएगा। अब ये हम इसको चेक करेंगे। ये हमारे बंस जो है बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से रेड। अब इसको ही हम प्लेटिंग करेंगे। इसको हम पहले साइड साइड से यहाँ नाइफ से एक बार कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल इजीली निकल जाए। अब इसको हम ये हमारे गार्लिक ब्रेड बनके रेडी हो गए हैं। अब इसको आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और ये फ्लफी बने हैं बिल्कुल। सी जस्ट लाइक अ पिज्जा। नाउ यू कैन एंजॉय इट विथ योर फैमिली। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।